हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन हूँ और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आज मैं आप लोगों को छठ पूजा का दिखाऊंगा और इस वक्त मैं गुजरात जामनगर में हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को आज हम पहला अर्घ दिखाने वाले हैं गुजरात में, तो वीडियो में बने रहे आखिरी तक जामनगर में। और छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएँ आप सब लोग को, तो आखिरी तक बने रहें ताकि आप लोग को हम दिखाने वाले हैं छठ पूजा का अर्घ, ताकि हमारे माताएं बहनों साथ बैठे हुए हैं और अभी गाड़ी की वेट कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं आखिरी तक। पहले दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, तो फाइनली दोस्त अभी गाड़ी आ चुकी है और अभी हम चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी पे। तो फाइनली दोस्तों अभी निकलते हैं, आ जाइए। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं घाट पे, तो चलते हैं, वीडियो बने रहे आखिर तक, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों वीडियो में बने रहे आखिरी तक, तो सारे दोस्तों यहाँ पर हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। और आप लोग इस वक्त मैं गुजरात में हूँ जामनगर में, और काफ़ी धूमधाम से यहाँ छठ पूजा पर्व मना रहे हैं। सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोग को। हमारे मुखिया जी आए हैं, तो मुखिया जी आज कुछ छठ पूजा के बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग छठ पूजा के शुभ अवसर पर गुजरात के छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैं बिहार झारखंड और यूपी के लोगों को सूर्य महाराज का अर्घ देते हुए आज देखने का मौका मिला है, और सबों को इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर, और मैं सूर्य महाराज से मनाता हूँ कि सबों का मनोकामना पूर्ण हो। इसके साथ मैं अपना शुक्रिया आपको। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि आए हैं झारखंड से, मैं बिलोंग करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी मात्रा में जनसंख्या है जो हज़ारों के ऊपर होंगे, सूर्य महाराज का आराधना कर रहे हैं, और सब अपने माता पिता पुत्र और धर्म को मनाते हुए संस्कार बढ़े। और चलते हैं आगे, कुछ वीडियो और दिखाते हैं आप लोगों को। लगभग 20 साल हो गया छठ पूजा उठाते हुए, और यहाँ अंकल स्टार्टिंग इन लोग ही किए थे, और आज से 20 साल हो गया होंगे ना। हाँ, 20 साल हो गया दोस्तों गुजरात जामनगर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की पब्लिक है। जहाँ पे लोग 100-200 होते थे, आज की डेट में देखा है तो हज़ारों लोग उपस्थित हैं यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारा,
सोचने में बिजी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार छपरा। आप छठ पूजा कहाँ पर मना रहे हैं? यही मना रहे हैं। कहाँ पर? जगह का नाम क्या है? अरजना धाम। अरजना धाम कौन सा स्टेट? जामनगर। तो दोस्तों यहाँ पर जामनगर में काफी लोग आए हैं, हजार की जनसंख्या है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो। कहाँ से रहने वाले हैं आप? तो छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और सब लोग। और हमारे पास एक अंकल है, तो इनसे पूछते हैं कि इस जगह कहाँ पे है। तो अंकल कहाँ पे हैं? यही है, बिहार में है। ये जगह कहाँ है? ये आराधना धाम है। कौन सा स्टेट? गुजरात स्टेट में है, आराधना धाम में। और कितना साल से आप लोग मना रहे हैं? 25 साल हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 साल से प्लस हो गया है छठ पूजा मनाते हुए। बिहार झारखंड यूपी के लोग यहाँ पर काफ़ी हजारों के दर्शक हैं यहाँ पर। जो स्टार्टिंग था 100 आदमी स्टार्टिंग डलिया आता था, आज के डेट में हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सही बोल रहे हैं? हाँ, बोलो छठी मैया की जय। नली दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं अपने घर पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो गाइस, और काफी फ्रेंड यहाँ पे मिल गए हैं जो अभी पिछले बार आप लोगों को दिखाए और इस बार फिर दिखा रहे हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आए हो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो आज का तो जरूर कमेंट करना, और बाकी कल का रह गया तो हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आज का जो छठ पूजा था शाम का, जो आप लोगों को मैं जो बात की है तो पूरा कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नली दोस्तों आप लोग, हम लोग अब चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं अपना घर पे। सब लोग बैठ गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मात्रा में, हजारों के मात्रा में था जो आप लोग को दिखाएँ। और आंटी लोग सब बैठे हैं आगे, और अभी हम लोग डालिया के पास बैठ रहे हैं। ये हमारे भाई सब गुजरात के हैं, देख सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? प्रिंस राय। तो आप देख सकते हैं भैया यहाँ के गुजरात के हैं, जो अभी गाड़ी लेके हम लोग यहाँ पर बुकिंग करके आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया।